हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएचएन प्रैक्टिकल डाउट। अगर मैं बात करूँ एएचएन प्रैक्टिकल, आपका बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में होगा। अब आप सोच रहे होगे कि एएचएन प्रैक्टिकल आपका कैसे होगा, तो जैसे आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था, सेम एज वैसे ही आपका एएचएन प्रैक्टिकल होगा। मतलब कि आपका दो साइड होता है, जैसे कि अब आप थ्योरी साइड करोगे थ्योरी, और अदर साइड आपका एक ऑस्की होता है। थ्योरी में भी आप जब जाते हो तो आपको एक शीट मिलती है जिसमें आप बेड साइड जाते हो क्लिनिकल, और पेशेंट का पूरा डेटा वो करते हो। तो सेम एज जैसे आपने फाउंडेशन में करा था कि आप हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में उसी के बेसिस पर आप एनसीपी बनाएंगे, फिर उसके बाद में फिर आप हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे, फिर ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बेड साइड आपके पास एग्जामिनर आएंगे एक्सटर्नल, जो आपके अदर कॉलेज से आते हैं। इंटरनल आपकी फैकल्टी में से किसी एक टीचर को बना दिया जाता है, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपके क्वेश्चंस रहते हैं। बट इस बार आपके प्रोसीजर कुछ चेंजेस आते हैं। अब आपके कुछ प्रोसीजर मतलब आपके बढ़ जाते हैं फाउंडेशन से। अब इसमें एक डाउट आता है कि क्या फाउंडेशन वाले नहीं कराएंगे, तो ऐसा नहीं है। फाउंडेशन के आपके जो प्रोसीजर वो आपको हो गए, आपको रिवाइज उनको ज़रूर करना है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आए और उनको फीवर आपके पेशेंट को, तो फिर मे बी आपसे कह सकते हैं कि आप टेम्परेचर का प्रोसीजर करके दिखाइए, तो उस टाइम पर आपको ऐसी कंडीशन फेस करने को मिल सकती है। और अगर बेड मेकिंग नहीं, तो आपको बेड मेकिंग करवा सकते हैं। तो आपको वो सारे कॉमन प्रोसीजर तो आने चाहिए, क्योंकि आपने फाउंडेशन पढ़ी है, वो आपका एग्जाम दे चुके हो, तो वो आपको सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए। साथ ही साथ आपके कुछ 18 प्रोसीजर हैं जो इस बार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जो थर्ड सेम में था, तो थर्ड सेम में हम लोगों की कॉपी कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करवाई गई थी, जिसमें हमारे प्रोसीजर लिखना था। मतलब लिखना क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को हेडिंग दे रखी थी प्रोसीजर की, सो उसमें हम लोगों को डेफिनेशन मेंशन करनी होती है। डेफिनेशन के बाद में हम लोग उसके मेंशन करते हैं आर्टिकल्स, उसके पर्पस, फिर उसका पूरा प्रोसीजर। आप डायग्राम बना सकते हो या तो फिर आप फिगर पेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लिख दिया था, फिर स्पेस नहीं था, आफ्टर दैट स्टेपलर ही एक लास्ट ऑप्शन था। फिर उस प्रोसीजर के बाद में आपकी बिब्लियोग्राफी रहती है, और आफ्टर प्रोसीजर रहता है। जिस भी पेशेंट या जिस भी प्रोसीजर में आफ्टर केयर नीडेड होता है, तो वो आपको करना होता है। तो सेम एज ऐसे मेरे सारे प्रोसीजर डन थे जो हम लोगों को टॉपिक्स दिए थे। मैं आपके साथ टॉपिक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ये सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे थर्ड साम के लिए। तो पहला टॉपिक मैं आपको बताती हूँ जो प्रोसीजर का है, वो आपका सिड्स पाथ का है, फिर रिमूवल ऑफ सूचर्स का है, फिर नेबुलाइजेशन है, थोरा सेंटेसिस, पैरा सेंटेसिस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब वो आपसे आपको कराते नहीं है उस समय थोरा सेंटेसिस, पैरा सेंटेसिस, लेकिन उनका एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि कितने ml आप रिमूव करोगे, कौन सी साइट है, और एनेस्थीशिया कौन सा दोगे। तो ये चीज़ इसमें पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट है। स्क्रबिंग में डोनिंग डोफिंग पूछ लेते हैं। सर्जिकल सोक का प्रोसीजर आपको आना चाहिए, सर्जिकल ड्रेसिंग का आपको प्रोसीजर आना चाहिए, आईवी कैनुलेशन आना चाहिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, आपको एनजी ट्यूब एस्पिरेशन पता होना चाहिए, कोलोस्टोमी केयर पता होनी चाहिए, आईएम इंजेक्शन, साथ ही साथ आपको मसल्स पता होनी चाहिए। आईएम इंजेक्शन के जो मसल्स होते हैं, जैसे ग्लूटियल मसल और आपके डेल्टोइड मसल, बट उस टाइम पे जब आप रिवाइज करके नहीं जाओगे, तो एकदम से क्वेश्चन पूछते तो आप नहीं बता पाते हो, बट उस लिए आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको टॉपिकल मेडिकेशंस पता होने चाहिए, कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप उनको क्यों अप्लाई करते हैं, इनका पर्पस आपको पता होना चाहिए। आपको पोस्टोरल ड्रेनेज के साइट्स पता होने चाहिए, उनका जो पोजिशन देते वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीजर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका केयर ऑफ सर्जिकल ड्रेन, एट लास्ट आपका CPR है। CPR आपका जैसे ऑस्की परफॉर्म करी जाती है, तो ऑस्की में भी आपका पूछ लिया जाता है, पूछते नहीं है ऑस्की में, मेनली आपको करा दिया जाता है। बट ये सारे प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है AHM प्रैक्टिकल के लिए, तो इनके आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आपको स्पेसिफिकली अलग अलग बुक में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, तो आपकी जब रिविजन करोगे तो उतनी बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एग्जाम से पहले कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपके कॉलेज में भी कुछ इस तरीके से अगर कॉपी का यूज़ करके इसको प्रिपेयर करवाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका उतना टाइम सेव हो जाएगा। और अगर आपके कॉलेज में ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ आपको खुद से करिए अपनी स्टडीज़ के लिए। AHM प्रैक्टिकल में आपका ऑस्की होगा, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, जैसे आपके फाउंडेशन एग्जाम में था। आपको प्रोसीजर करवाते हैं, तो प्रोसीजर की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इन सबको प्रोसीजर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपके फाउंडेशन में थे, उनको आपको भूलना नहीं है, उनको आपको रिवाइज करके जाना है।
फाउंडेशन के एग्जाम में जैसे कि आपका बेड साइड होता था तो आपको बहुत कंफ्यूजन था कि हिस्ट्री कलेक्शन कैसे लिखना है, फिजिकल कैसे लिखना है, नर्सिंग डायग्नोसिस एनसीपी, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए तो उनको इस वीडियो में हम नहीं डिस्कस करें। अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिएगा जो फाउंडेशन प्रैक्टिकल के, इससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। कैसे आपको बेड साइड क्लिनिकल साइट, आपको पेशेंट जब अलॉट होगा कैसे आपको अपनी कॉपी, कैसे अपनी फाइल मैनेजमेंट में उस समय करना होता है। फिर हम बात करते हैं कि जब एग्जामिनर आते हैं तो एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या रहता है। जैसे कि एग्जामिनर आएंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वो बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके सिलेबस से ही पूछेंगे, तो आपको सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं उनका AHN एग्जाम के बाद रिविजन करना छोड़ना नहीं है। अगर आप रिविजन करना छोड़ दोगे और प्रैक्टिकल के लिए पढ़ने बैठोगे तो आप सब भूल जाओगे, और अगर एग्जाम के बाद रिविजन करते रहोगे तो प्रैक्टिकल तक आपको वो सारी चीज़ याद रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट ज़रूर इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ चुके हैं फाउंडेशन के वो उसको भूल जाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा। फाउंडेशन के आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं तो उनको याद रखिएगा, नहीं है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने शेयर करा था पूरी PDF जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस के साथ, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। साथ ही साथ अगर टीचर आपको बुक्स रिलेटेड कम थोड़ा सा नर्सिंग थोड़ा प्रोफेशन से पूछेंगे तो आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डेफिनेशन आपको नर्सिंग की आनी चाहिए, डेफिनेशन आपको प्रोफेशन की आनी चाहिए, डेफिनेशन आपको हेल्थ की आनी चाहिए, और ये सारी डेफिनेशन आपको WHO के द्वारा या फिर जो जैसे बुक में मेंशन नहीं होती भाई ऑथर, तो आपको किसी ऑथर के द्वारा डेफिनेशन लर्न करनी है, साथ में उसको भी मेंशन करना है। कुछ पॉइंट्स आपको पेशेंट से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लेता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप AHN बुक करते हो तो AHN बुक में बहुत कन्फ्यूजन करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते, अगर आपसे कहा जाए कंपार्टमेंट सिंड्रोम बताओ तो अभी आप कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ जो यूनिट 11 मस्कुलोस्केलेटन है फ्रैक्चर में ही कॉम्प्लिकेशन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, जिसमें 6 P's आते हैं आपके, फिर जब आप उसको पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा। फिर आपका हीमोफीलिया आता है, हीमोफीलिया और कंपार्टमेंट सिंड्रोम मेरे से क्वेश्चन पूछा था, डी वेन थ्रोम्बोसिस पूछ लिया था, उसके कॉजेस मेन, और मेरे पेशेंट को मेनली इन सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी ये सारे क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल है तो वो आपके AHN बुक से पूछ सकते हैं। वेल प्रोसीजर परफॉर्म थे तो वो अलग क्राइटेरिया था, एक्सटर्नल टीचर जाने के बाद इंटरनल पूछते हैं, और इंटरनल का क्वेश्चन मैं नहीं बता सकती क्योंकि इंटरनल डिपेंड करता है टीचर पे, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती। लेकिन एग्जामिनर जो भी होते हैं तो वो आप पूछेंगे आपका नर्सिंग से रिलेटेड, पूछेंगे आपका फाउंडेशन AHN से रिलेटेड, आपका जो भी पेशेंट है उसकी डायग्नोसिस पे पूछेंगे, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका AHN प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। मेनली अगर आपका AHN एग्ज़ाम अच्छे से हो गया तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, और एग्ज़ाम के बाद AHN प्रैक्टिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा। रिविजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर करें। स्टेप बाई स्टेप कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप एक स्टेप गलत करते हो उसका मार्क 0 हो जाता है, अगर आप एक स्टेप सही करते हो उसका आपका 1 मार्क रहता है। प्रैक्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपका जो थ्योरी एग्जाम है आप उसमें भी फेल हो जाएगा और आपको फिर से वही चीज़ को फिर से करना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल को हल्के मत लीजिएगा, प्रैक्टिकल को पढ़िएगा, प्रैक्टिकल के लिए अच्छे से स्टडी करिएगा, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।